नमस्कार दोस्तों, दिल्ली टू सहारनपुर एक्सप्रेस में आपका स्वागत है, यानी देहरादून एक्सप्रेस वे और सहारनपुर एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज आपको हम एलिवेटेड जो गांधीनगर से और खजूरी चौक से आगे तक का है उसका पूरा विजिट कराएंगे। इसमें बने रहिए, इस वीडियो में लेके चलते हैं सीधे आपको साइड पर। उससे पहले कुछ लोकेशन के बारे में बता दें, ये है अक्षरधाम से लेके और यूपी बॉर्डर तक का पैकेज वन। इस पैकेज वन की जानकारी मैं इस वीडियो में आपको पूरी अपडेट देता हूं। बने रहो मेरे साथ इस वीडियो में। कितना इसमें काम हो चुका है, कितना नहीं हुआ है, इसके बारे में सारी जानकारी इस वीडियो में देता हूं। देखिए दोस्तों, ये है गांधीनगर शमशान घाट। यहां से हमारा एलिवेटेड फ्लाईओवर है जो वो स्टार्ट होने वाला है। ये जो आप सामने देख रहे हो गटर रखे हैं, यहाँ से आरीवाल स्टार्ट होते हुए रैंप बनते हुए और ऐसे करके सीदा यहाँ से आप ऊपर ही ऊपर देहरादून एक्सप्रेसवे पर जा सकते हैं, जो कि खजूरी चौक से आगे उतरा हुआ है उसकी। और यहाँ से वीडियो मैंने अपडेट की है आपके लिए। आगे लेके चलता हूँ, ये है हमारा गांधीनगर गीता कॉलोनी, यहाँ पर इसी लोकेशन को बोलते हैं। यहाँ पर ये पिलर हमारे कनेक्ट हो चुके हैं, ये स्लैब भी पड़ चुकी है यहाँ पर और दोनों तरफ पूरा काम हो चुका है। इसमें खाली कनेक्ट होने के बाद इसमें डीबीएम और बीसी होनी है, इसके बाद ये रोड यहाँ से चालू हो जाएगा। आगे ये जो आप देख रहे हो इसमें गटर भी रख चुके हैं और कुछ आगे गटरों का काम चल रहा है। नीचे भी सर्विस रोड हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और ये एलिवेटेड है पूरा। यहाँ पर अभी ये स्लैब पड़ना बाकी है, इसमें स्लैब पड़ना भी बाकी है और ये सामने यहाँ पे अभी गटर लॉन्च नहीं हुए हैं और ये सामने यहाँ पर हो चुके हैं। ये लोकेशन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ, ये लोकेशन गांधीनगर की है। इस पैकेज वन में 15 किलोमीटर का पैकेज है, ये पैकेज वन जो कि अक्षरधाम से लेके और हमारा यूपी बॉर्डर तक का पैकेज है। इस पैकेज में 6 लेन फ्लाईओवर, 6 लेन नीचे है और बहुत ही शानदार है। यहाँ पर जो आप देखोगे ये गांधीनगर की जो बत्ती है, यहाँ से ये जो महावीर पार्क बोलते थे उसे, जो गांधीनगर में था, इसके अंदर होते हुए जो हमारा रेलवे का लाइन है उसको पार करते हुए ये सीधा मीट मार्केट में चला जाएगा, जो कि शास्त्री पार्क और सीलमपुर की मेट्रो है उसको भी पार करते हुए। ये पिलर आप यहाँ बन चुके हैं, ये जो देख रहे हो ये रेलवे की लाइन है। ये जो नई लाइन है इसका काम यहाँ पर चल रहा था और ये जो सामने है वे मेट्रो है और ये आ गए हम मीट मार्केट में। ये मीट मार्केट की लोकेशन है, ये जो पिलर हैं ये बन चुके हैं। ये जो सामने देख रहे हो ये मीट मार्केट बोलते हैं शास्त्री पार्क, यहाँ पर भी इसके पिलर बन चुके हैं, पूरे रेडी हो चुके हैं। इसमें पियर बनना बाकी है, जैसे ही पियर कैप बनते हैं तो गटर लॉन्च होने के बाद स्लैब पड़ने के बाद ये पूरा रेडी हो जाएगा। मैं इसको इधर की तरफ से आपको दिखाना चाहूँगा, ये कनेक्टिविटी, ये जो लूप बना हुआ है ये पुराना लूप है जो ISBT की तरफ जाने वाला है और जो दूसरा वाला लूप है जो उधर की तरफ देख रहे हो मेरे लेफ्ट साइड में, ये है सादरा की तरफ जाने वाला। ये जो लूप है ये पुराना फ्लाई ओवर है शास्त्री पार्क वाला, इसी को पार करते हुए दिल्ली टू सहारनपुर एक्सप्रेस वे बनेगा। यहाँ पर भी बहुत अच्छी लोकेशन हो जाएगी इसे बनने के बाद। आप कभी भी अगर दिल्ली आना चाहो तो इस फ्लाईओवर की विजिट करके देखना एक बार, इस पर घूम के बहुत ही शानदार और बिना बत्ती का बनेगा। यहाँ पर एक चढ़ने के लिए इसमें लूप बनाया गया है जो आप इस लूप के माध्यम से दिल्ली टू सहारनपुर एक्सप्रेसवे पर चढ़ सकते हो। एक तो शमशान घाट से चढ़ सकते हो और एक शास्त्री पार्क से भी आप चढ़ सकते हो इस दिल्ली टू सहारनपुर एक्सप्रेसवे पर, जो कि यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये पिलर हैं जो साइड में लेफ्ट में आपको दिख रहे हैं, ये हमारे लूप के पिलर हैं जो ऊपर चढ़ने के लिए जो गटर रखे हैं, जो पुराना शास्त्री पार्क का लूप बना हुआ है इसी के अंदर अंदर होते हुए ये जो पिलर दिख रहे हैं, इन पिलरों पर होते होते और ये मेन कैरिजवे में कनेक्ट हो जाएगा। ये 0 कुश्ते पर जाकर ये कनेक्ट हो जाएगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ, ये लेफ्ट में हैं ये जो रैंप के हैं, रैंप चढ़ने वाली रैंप, ये जो बीच में है ये मेन कैरिजवे के हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा बिना देरी किए हुए सीधा साइड पर और जल्दी से जल्दी दिखाना चाहूँगा, क्योंकि
काफ़ी बंदे लंबी वीडियो को नहीं देख पाते हैं। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें प्लीज़, सपोर्ट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये जीरो पुश्ता है, यहाँ पे भी पूरा काम हो चुका है स्लैब का। अब जीरो पुश्ता से लेके पूरा कनेक्टिविटी हो चुकी है, एक दो स्लैब रह चुकी हैं इसमें, पूरा आगे तक मैं आपको दिखाऊंगा, बने रहो इस वीडियो में। और कहाँ कहाँ इस पर चढ़ने उतरने के लिए रैंप हैं वो भी आपको मैं दिखाऊंगा इसमें वीडियो में, बने रहो इसमें। एक तो इसकी आपकी चढ़ने की रैंप है शास्त्री पार्क पर हो चुकी है, और दूसरी है जो न्यू उस्मानपुर पहला पुश्ता है, ये है हमारी रैंप उतरने की। जो आप दिल्ली टू सहारनपुर एक्सप्रेस वे आते हो तो यहाँ पर उतर के जा सकते हो। जो आप देख रहे हो मेरे राइट साइड में, ये रैंप है उतरने वाली, जो कि ये दूसरे पुश्ते से थोड़े आगे कनेक्ट हो रही है। इस मैं देखो आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे पूरा इस स्लैब का काम हो चुका है और ये कनेक्टिविटी रह गई है इसमें। कनेक्टिविटी होते ही ये पूरा रोड चालू हो जाएगा। दिल्ली में काम करना बहुत ही कठिनाइयों का संघर्ष, परेशानी, दिक्कतें, ट्रैफिक, बहुत ही परेशानी आती रहती हैं, लेकिन इतनी स्पीड में काम किया है सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, इस पैकेज वन को बहुत जल्दी तैयार होके आपको जनता के लिए खोल दिया जाएगा। ये है यहाँ पे भी सरियों का बिछा हुआ जाल है, इस पर भी कंक्रीट पन्ना बाकी है, और एक स्पेन इसमें बीच में ये यहाँ पर गटर का रह गया है, जो गटर लॉन्च होने के बाद स्लैब पेगा। अभी यहाँ पे देखो पूरा स्लैब हो चुका है। अगर आप इससे दिल्ली टू सहारनपुर एक्सप्रेस वे यहाँ पे चढ़ना चाहते हो तो ये रैंप है आपकी राइट साइड में, यहाँ पर ऊपर चढ़ के गांधीनगर अक्षरधाम की तरफ जा सकते हो। यहाँ पे चढ़ने की रैंप है, ये जो आप देख रहे हो मेरे राइट साइड में, ये कनेक्ट हो गई है यहाँ पे। ये नीचे है पांचवें पुश्ते में, जो पांचवा पुश्ता बोलते हैं इस लोकेशन को, यहाँ से ये यहाँ से चढ़ने के लिए नीचे वाले सर्विस रोड से अटैच है। आप इससे ऊपर चढ़ के गांधीनगर और अक्षरधाम की ओर जा सकते हो। और इसमें रैंप एक और है, उसका भी मैं आपको दिखाऊंगा, जो कि खजूरी चौक लोकेशन पर है। वो आप इससे अक्षरधाम से या फिर गांधीनगर से आए हो तो खजूरी चौक पे आप उतर सकते हो। उतरने के लिए रैंप है, आपको सिग्नेचर ब्रिज, भजनपुरा या ISBT की तरफ किधर भी जाना है तो आप उससे उतर सकते हो। यहाँ पे ये गटर लग चुके हैं, इससे आगे आपको गटर अभी नहीं रखे गए हैं क्योंकि अभी ये स्पीड में काम चल रहा है, तो पीछे पूरा कनेक्टिविटी करके ला रहे हैं आगे तक। यहाँ पे पियर पूरे खड़े हो चुके हैं, बस गटर लॉन्च होने की वेट कर रहे हैं। ये जो रैंप है, ये आप जो देख सकते हो, ये रैंप है उतरने वाली रैंप। यहाँ पे आपको उतर के भजनपुरा या ISBT या फिर सिग्नेचर ब्रिज और मौजपुर खजूरी उतर के जाना है, ये आप जा सकते हो इस रैंप के थ्रू, जो लेफ्ट साइड में रैंप आपको दिख रही है। अब ये है हमारा सामने खजूरी चौक, ये बहुत ही अच्छी लोकेशन है, बहुत ही शानदार। यहाँ पर हमारी हाइट 24-25 मीटर रहेगी, जो हमारा ज़मीन से और ऊपर तक की हाइट रहेगी। यहाँ पर एक परेशानी ये भी है कि मेट्रो को भी पार करना है और जो पुराना फ्लाईओवर है उसको भी पार करते हुए ये दिल्ली टू सहारनपुर एक्सप्रेस वे बनेगा। ये आप देख रहे हो यहाँ पर बहुत ही कठिनाई है क्योंकि मेट्रो भी है और बहुत ही अच्छी लोकेशन बनने वाली है खजूरी चौक पर। ये जो पुराना फ्लाईओवर है और ये न्यू फ्लाईओवर दिल्ली टू सहारनपुर एक्सप्रेस वे का बनकर रेडी हो जाएगा। एक बार आप आते हो तो इस फ्लाईओवर पर ज़रूर विजिट करना, बहुत ही शानदार। देखो कॉलोनियाँ जितने भी घर बने हो सबसे हाइट में ये हमारा एक्सप्रेस वे रहेगा, इसकी हाइट में कोई भी मकान या बिल्डिंग नहीं है। ये सामने यहाँ पर चल के थोड़ा सा आगे ये हमारा फ्लाईओवर उतर जाएगा, ज़मीन पर आ जाएगा। ज़मीन पर फिर ये सर्विस रोडों पे और मेन कैरेज वे पर हो जाएगा, उसका ही मैं थोड़ा सा आपको आगे तक का वीडियो दिखाऊँगा। ये यहाँ पर गटर पूरे बन चुके हैं, इन पर स्लैब पड़ना बाकी रह गया है, और यहाँ से हमारा ये पूरा फ्लाईओवर
ख़त्म हो जाता है। उसके बाद बॉक्स कलवर्ट और थोड़े अंडरपास हैं, उसकी मैं वीडियो अगले वीडियो में अपडेट दूंगा। यहाँ पर ये नीचे आ गया है हमारा पूरा आरीवाल बनने के बाद। यहाँ पे सर्विस रोड है और ये दोनों तरफ सर्विस रोड रहे इसमें और मेन कैरिज वे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। पहली टू सहारनपुर एक्सप्रेस वे में आपका स्वागत था। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद और ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दिल्ली टू सहारनपुर एक्सप्रेस वे के लिए पूरा अपडेट मैं इस वीडियो में देता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच।